JNU का जो रिसेंट इंसिडेंस हुआ है उसको देखते हुए एक घटना मुझे याद आती है, जब रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के बीच में एक बहस चली थी कि साहब छात्रों को राजनीति में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी तो इसके पक्ष में थे कि हाँ लेना चाहिए, जबकि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर साहब के ये इंसिस्टेंस था कि शायद उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बार वो शिक्षा के मंदिर ही रहने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ना तो वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे ठीक से, और ना ही वो ठीक से वैल्यू ओरिएंटेशन होगा उनका, और ना ही वो समाज में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो बजाय खिचड़ी बनाने के हम उसको फोकस नहीं हो रह पाएंगे, ना हम अच्छे पॉलिटिशियंस पैदा कर पाएंगे। ये अलग बात है कि 100 असफल छात्र नेता में से कोई एकाध कोई सफल नेता निकलता है, प्रॉपर राजनीति में आता है। इसी मुद्दे पे आज चर्चा हम करेंगे, और इसके लिए हमने इनवाइट किया है तनिया गडकरी जी को। तनिया गडकरी जी एक कॉलमनिस्ट हैं, तनिया गडकरी जी एक राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, टीवी डिबेटर हैं, स्विच ऑफ कर लीजिए। और तनिया गडकरी जी हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं, और मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं आपका तारुफ कराऊँगा अशोक आत्रे साहब से। नमस्कार अशोक आत्रे साहब। अशोक आत्रे साहब एक कॉलमनिस्ट हैं, एक राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, इसके अलावा अपने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स पे भी काम कर रहे हैं। आप काफ़ी मीडिया हाउसेज में चीफ एडिटर की पोजीशंस को भी सुशोभित किया है आपने, और काफ़ी बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। फिर मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा संजीव यादव जी का। संजीव यादव जी एक ऑन्टरप्रनर हैं, एक एक्सपोर्टर हैं, और अभी कुछ संस्थाओं के अंदर इन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, और ये चाहते हैं कि कुछ बेहतर हमारे यहाँ पर हो। हालांकि ये विदेशों में सेटल होने का सोच रहे थे, लेकिन आप ही के जैसे कुछ मित्रों ने इनको यहाँ रहने के लिए बाध्य कर दिया। तो हम शुरुआत करते हैं तनिया जी से। तनिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो क्या गांधी का जो एक इनिशिएटिव था उनको लेकर आने का, स्टूडेंट्स को लेकर आने का, राजनीति में लेकर आने का, और टैगोर का जो उन्होंने जो अपोजिशन किया था कि नहीं साहब, इससे ना तो वो ठीक से राजनीति में आ पाएंगे, ना ही ठीक से वो पढ़ पाएंगे, आप कहाँ तक सहमत हैं, और आप अपने विचार भी प्रकट कीजिए। देखिए, दोनों हमारी भारतीय जो विचार मंच है उसके शिखर पुरुष हैं, और दोनों के लिए कहा जा सकता है कि वो अपनी अपनी जगह पर अगर आदर्श रूप में देखा जाए तो सही थे। जैसे महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो वो राजनीति को एक शुद्ध प्रतीक मानते थे, एक स्वच्छ मार्ग मानते थे जो कि लोगों की बेहतरी के लिए काम करता था, जो बहुजन सबके लिए मतलब सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय काम कर सकता था। यदि उस तरह की हमारी राजनीति होती तब बात अलग थी, जो छात्र राजनीति की हम बात कर रहे हैं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो मैं कह सकती हूँ कि उनकी दूरदृष्टि ने उन्हें सही बात दिखाई थी कि राजनीति में हमेशा आदर्शवाद का जिंदा रहना बेहद कठिन है, लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ऐसे में यदि आप छात्रों को उसमें शामिल करते हैं तो धीरे 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 वो अपने छात्रों के कल्याण के मुद्दों को भूलकर और जन कल्याण मुद्दों को भूलकर आपसी राजनीति में उलझ जाते हैं। और कभी कभी तो आज जो देखने को आया है, हम पिछले 2 दिन में देखा है, इतनी विषाक्त रूप ले चुकी है छात्र राजनीति कि वे देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आप एक देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, भारत के संविधान ने ही आपको ये सारे अधिकार दिए हैं, आप भारत के नागरिकों के टैक्स के पैसों से आपको सब्सिडी मिलती है, आप इतना अच्छा इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, और उसके बाद आप उसी भारत के 100 टुकड़े करेंगे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है हमको कि क्या राजनीति को छात्र राजनीति पर कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है क्या? आत्रे साहब, आपका क्या मत है इस बारे में? अविनाश जी, जो आपने मुद्दा उठाया बड़ा ज्वलंत है, समसामयिक है और बहुत ही गहरी जड़ें इसी इसकी जुड़ी हैं समाज से, संस्कृति से, और एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमें इस संबंध में सोचना चाहिए। पहली बात तो मैं मानता हूँ कि हमारी जो आज की वर्तमान राजनीति में
लगभग एक स्थिति ऐसी बन चुकी है कि लोग कपड़े बदल रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह कपड़े बदलते हैं रोज, उस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। एवरी डे दे चेंज क्लोथ, पार्टीज, पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशंस, थॉट्स, प्रिंसिपल्स। एक बेस है ही नहीं, कोई आधार ही नहीं किसी भी नेता का, बड़े से बड़े नेता सा या छोटे छोटे छुटभैयों का कोई राजनीतिक आधार नहीं। इसका कारण ये है कि मूल रूप से जो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता है, जो भारतीय जो हमारी संस्कृति है, जो भारतीय चरित्र है, जो मूल सामाजिक जो हमारी प्रतिष्ठा है, जिसके आधार पर हमारी पहचान ग्लोबल लेवल पर हमारी पहचान हुई है, वर्षों पुरानी जो संस्कृति है, उससे हम बहुत कोसों दूर, कहीं बहुत दूर आ चुके हैं। इसका कारण यह है कि हज़ारों वर्षों तक की जो गुलामी है उसने हमें पंगु बना दिया है, और अब हम बहुत ही एक सीमित दायरे में एक बहुत शुद्ध तरीके से सोच रहे हैं सब चीज़ों के बारे में, चाहे शिक्षा हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे कला हो, चाहे राजनीति हो। तो कुल मिलाकर के जो राष्ट्र धर्म है, जो राजनीति से जुड़ा है, राष्ट्र धर्म और राजनीति ये दोनों अलग अलग नहीं है। यदि राजनीति राष्ट्र धर्म से अलग है तो ये गलत बात है। दुर्भाग्य से ये जो चिंतन आया है पश्चिम से आया है, आरोपित चिंतन है, जहाँ राजनीति को राष्ट्र नीति से अलग माना जाता है, और आज स्थिति है कि वो व्यक्ति नीति तक आ गया है, एडवेंचरिज्म आ गया, और इस सब का परिणाम ये है कि हम अपने रूट से कट गए, जड़ों से बाहर आ गए, और वो सारी निष्ठाएं, वो आस्थाएं, वो प्रतिबद्धताएं जो हमारी सामाजिक मूल्य मान्यताओं से जुड़ी थी, उनसे हम कोसों दूर आ गए। तो इसकी वजह से, विघटन की वजह से, दूसरे जो तत्व आतंकवादी तत्व हैं उनको मौका मिला है, धर्मपरस्त जो लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, उन्होंने अपने रास्ते बनाए, माइंस बनाए, एंड देश को लगातार वो डैमेज कर रहे हैं। इफ़ यू सी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वी कैन वेरी वेल फील दैट फॉर लास्ट 1000 ईयर्स इंडिया इज बीइंग अटैक्ड बाई फॉरेन पावर्स। इसे भूलना नहीं चाहिए। आज JNU का मुद्दा एक मच्छर का मुद्दा है। आज हम एक मच्छर पर चर्चा कर रहे हैं, असंतुष्टि की जो बात है, एक मच्छर वाली बात है। वी आर टॉकिंग ऑन मॉस्किटोज, वी आर नॉट टॉकिंग ऑन डायनासोर्स। आज स्थिति है कि डायनासोर्स जो इससे जुड़े हैं राजनीति से, उन डायनासोर्स पर हमें चर्चा करनी चाहिए, मच्छरों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मच्छरों पर हम समय बर्बाद कर रहे हैं चर्चा करके। मच्छर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये राजनीति है ही नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं, और हमने तिल को ताड़ बना दिया। तो ये सारी राजनीति क्षुद्र जो अपेक्षाओं से जो लोग जुड़े हैं, जो जिनका जो मूल्य से, जिनकी प्राइस से, जो लोग जो कल्चर मूल्य मीन्स प्राइस, उनके लिए कीमत है, यानी आज जितना कमा लिया, आज जितना खा लिया, आज जितना भोग लिया, वो दैट इज द एंड ऑफ द लाइफ। दे नेवर थिंक इन कंटेक्स्ट ऑफ द शाश्वत, जो परंपरा है, जो मूल्य मानता है, जो आधारभूत हमारी जो सच्चाइयाँ हैं, उनसे कोसों दूर हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा बड़ा स्पष्ट कहना ये है कि हम महमूद गजनवी को देखें, हम मोहम्मद गौरी को देखें, हम उन लोगों को देखें, अंग्रेज़ों को देखें, मेकाले को देखें, जिन्होंने हमारी राष्ट्र की संस्कृति को लगातार हैमर किया है, लगातार नष्ट किया है, और हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज स्थिति ये है, आज हमें सोचना ये है कि मूल हमारे आधार कहाँ से टूट रहे हैं, हम कहाँ से हिल रहे हैं, हमें कहाँ से कौन हिला रहा है। तो ऐसी स्थिति में JNU को अभी इनिशियली मैं मानता हूँ JNU इज़ नो मुद्दा, असंतुष्टतावाद कोई मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा ही नहीं है। यदि हम इसे मुद्दा बना रहे हैं तो ये फिर अपना समय बर्बाद करने की स्थिति है। वी शुड फॉरगेट ऑल दैट। मैं बुरे शब्दों को यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि दिस इज संसदीय एक हम चर्चा करें, बट ब्लडली स्पीकिंग फक एंड फॉरगेट इज द ट्रुथ ऑफ द। आप क्या समझते हैं कि प्रहार हमें कहाँ करना चाहिए? क्या राजनीतिज्ञों पर प्रहार करना चाहिए, वैचारिक प्रहार करना चाहिए? हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, हमें संभलना चाहिए, हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, वही हमारा प्रहार है। हाँ। यदि हम मजबूत नहीं हैं, हम संकित नहीं हैं, हम अपनी अस्मिता से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, अपने आप को पहचान से दूर आ चुके, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए हम कौन हैं। हाँ। हम क्या थे, क्या हो गए अभी, और आगे क्या होंगे। तो ये जो मुद्दा है, सबसे पहले हमारे ऊपर कोई शाही छिड़कता है, हम कहते हैं हमारा खून कर दिया उसने, हमारे ऊपर तलवार चला दी। तो दिस इज द प्रॉब्लम। ये हमारी एक वीकनेस है कि हम छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना दें, प्रहार की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर परिप्रेक्ष्य में असंतुष्टतावादियों का जो पिछले लगभग एक साल से जो हंगामा हुआ, मैं ये नहीं कहता मोदी ने मौनी बाबा की भूमिका निभाई, किंतु मोदी इस बारे में बोले नहीं, और ये मैं मानता हूँ एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका बोलना कोई बहुत ज़रूरी नहीं था। मैं नहीं मानता कि उनको छोटी मोटी बातों पर उनको ही शुड बी इन्वॉल्व, वाई शुड ही बी। और जब राज्य के मुद्दे हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दे है ही नहीं, तो क्यों हम मोदी को बार बार उकसाना चाहते हैं कि वो मौन तोड़े अपना। ही वॉज इन्वॉल्व इन बिगर पॉलिटिक्स,
राष्ट्रीय जो आपकी जड़ें कमजोर हो गई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी पहचान नष्ट हो गई थी, भ्रष्टाचार का जो यहाँ एक आदम का जो स्वरूप यहाँ खड़ा हो गया था, देश लगभग निर्जीव स्थिति में हो चुका था, हमारी रीढ़ कम टूट चुकी थी, उस सारी बातों के खिलाफ मोदी ने एक बड़ा कैंपेन किया एंड एक बहुत पावरफुल तरीके से मोदी एक बहुत नए पॉलिटिकल इथोस के साथ सामने आए और फिर हम उनको छोटे छोटे मुद्दों में उलझाना चाहते हैं इस देश को, तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ये JNU को भूल जाना चाहिए। वी शुड थिंक अबाउट आवर नेशन। JNU इज़ नॉट ए नेशन। और ये बड़ी क्लियरली ये जो प्रोफेसर्स, ये लेक्चरर्स, ये बुद्धिजीवी, ये तथाकथित जो लोग हैं इस तरह के छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना करके सामने ला रहे हैं, मैं इसको टोटली, इट्स एन आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी एंड आउटरेज ऑफ द कल्चर एंड द नेशनलिटी ऑफ दिस कंट्री। आई एम अगेंस्ट दिस ऑल। क्या अमेरिका में या यूरोप के देशों के अंदर राजनीति और शिक्षा इतना डिस्टेंस रख के रखा जाता है उनको? आप यदि फंडामेंटलिस्टों की बात करें तो जितना हमारे यहाँ स्वतंत्रता इस देश में है उतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। अरब कंट्रीज में देखिए, आप सऊदी अरब या जाइए, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में जाइए, इवन पाकिस्तान में जाइए, पाकिस्तान में क्या स्थिति है मुसलमानों की आप खुद देखिए। क्या मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान से ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा स्वतंत्र है, ज़्यादा वो ही इज मोर लिबरेटेड एंड मोर बेटर इन कंडीशन? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। संजीव कुमार जी, आप एंटरप्रेन्योर हैं और एंटरप्रेन्योर होने के नाते आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, आपके क्या विचार हैं? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, मैं आत्रेय साहब का समर्थन भी करना चाहूँगा, इन्होंने कहा जो बिल्कुल मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। और मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही छोटा मुद्दा है, हमें जिस इस मुद्दे को जो हाइप मिल गई है वो मिलना नहीं चाहिए थी। बहुत ही छोटे स्तर पर कॉलेज वहाँ पर यूनिवर्सिटी को ही सलट देना चाहिए था मेरे जहाँ तक है। लेकिन ये मीडिया जो है ये आजकल दोनों दुधारी तलवार हो गई है, ये इतनी से छोटे से इशू को इतना बड़ा बना दिया है कि मतलब कोई इशू नहीं है। मतलब ये एक स्टूडेंट्स का आपस में थोड़ा सा नारे लगाना है, कोई भी लगा देता है भाई। आज हम दो लोग यहाँ गली में खड़े होकर कोई भी दो चार नारे लगा दे, इसका मतलब ये तो ना कि देश हित के और देश के अहित के लिए हो रहा है। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो सच में यही है कि आपके सामने कहा कि हमें देश हित की सोचनी चाहिए। और ये सब इतना हो रहा है क्योंकि ये एक हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जमीन, ऐसी धरती है जहाँ पे एक इंसान को इतनी लिबर्टी, इतना ज़्यादा छूट मिली हुई है कि वो कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल सकता है। अदरवाइज ये किसी और कंट्री में होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा, ये जो छात्र संघ के चुनाव है, जो नेता लोग के चुनाव है, ये एक हद तक जिस तरह के लिए, जिस सोच के साथ बनाए गए थे वो यहाँ फुलफिल नहीं हो पा रही है। अब इसमें राजनीति आ गई है, प्रॉपर राजनीति जिसे बोलेंगे, अपने सांसद ले लो चाहे जहाँ से भी ले लो, वो राजनीति इसमें घुस गई है। तो उसकी वजह से ये सब खराब हो रहा है। ये सिर्फ ये बनाया गया था कि भाई छात्र अपनी समस्याएं एक इंसान को बता दें, वो जाके उसके साथ डिस्कशन, वहाँ के जो कुलपति होते हैं, कुलाधीश होते हैं, उनके साथ, VC के साथ जाके डिस्कस कर ले, दैट्स इट। इसके लिए छात्र संघ का नेता का चुनाव हुआ था। लेकिन ये सब उल्टे दिशा में जाने लग गए, इनको सपोर्ट करने लग गए MLA MPs बिकॉज ऑफ वो, ये कांग्रेस का हिसाब, ये BJP का है। यहाँ जब ये BJP कांग्रेस और ये जो ये कोई भी संस्था जो है इनको ऑर्गेनाइज करने लग गए इस प्रोग्राम को, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने लग गए, यहाँ सब गड़बड़ा गया। 5 से 10 करोड़ का चुनाव का बजट रहता है तो ये बहुत गलत है। ये चुनाव बचे ही नहीं है। जिस हिसाब के लिए छात्र संघ का चुनाव निर्धारित किया गया था कि भाई छात्र संघ का चुनाव होगा, वो तो पर्पस तो भूल ही गए। और ये देश हित के क्या, ये तो अपना कॉलेज हित के लिए भी नहीं बचा है, तो बल्कि देश के अहित के लिए जाने लग गया। ये उल्टा देश को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके बारे में कोई कमेटी होनी चाहिए, कोई संस्था होनी चाहिए जो इसको मॉनिटरिंग करे और जो इसको कंट्रोल करे, तो तभी ये चीजें होंगी। अदरवाइज तो ये सब खराब ही होता जा रहा है। वो तो आप लोगों सबके सामने बुद्धिजीवी हैं सब लोग और सबको पता भी है। और मीडिया को भी थोड़ा इन चीजों को, है ना, मीडिया को भी थोड़ा फिल्टर होना चाहिए कि क्या हमें इस तरह की न्यूज को हाइप देके लोगों को गलत विचार उनके दिमाग में डालना। तो इस चीजों, इस तरह की न्यूज को मीडिया को भी थोड़ा सा, है ना, इतना हाइप करके नहीं बोलना चाहिए। अविनाश, मैं थोड़ा सा इस बीच में अपनी बात कहना चाहता हूँ। हाँ सर, बताइए। मैंने एक छोटा सा भी स्टेटमेंट दिया है जो फेसबुक में मैंने दिया है, मैं चाहूँगा उसको पढ़ूँ जी, ताकि इस मुद्दे को हम थोड़ा और तरीके से सोच सकें इसके बारे में। सॉरी सर, थोड़ा विश्लेषण करके बताइएगा। नजर, सॉरी,
छोटा ही होगा फेसबुक, आज के जमाने में फेसबुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा भी है। देखो सोशल मीडिया है निश्चित रूप से, और मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी भूमिका है, किंतु ये वैसे ही जैसा भी संजीव ने कहा कि दुधारू तलवार है, इसका कुछ भी गलत लोग इसका निकाल लेते हैं, तरीके निकालते हैं, बट दिस इज ए कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम। वेल व्हाट हैज हैपेंड इन जेएनयू, द कैथेड्रल ऑफ कम्युनिस्ट एंड जिन्नास, द कैथेड्रल ऑफ कम्युनिस्ट एंड जिन्नाइट्स, दिस इज जस्ट द एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ एडवेंचरिस्ट हु फील This is an extended arm of adventurists who feel more homely in China and Pakistan than in their homeland in India. This has been even expressed in the court also. If police has arrested the students' leader Kanaya Kumar for anti-nationalist slogans and pro-Pakistani stand and Gundagardi Act for even expressing his support to terrorists like Afzal Guru, what is banned in the arrest? Unfortunately, from the very beginning and at the tail end, there is no relevance left for such white elephants in the name of educational institutions. And it's almost a fucking affair to talk of so-called intellectual freedom, which ultimately a fuss. JNU is a castle of so-called Asantushta Vadis, opportunists, and branded Nehruvian socialists. I am going to ask this question to all of you who have little knowledge of history of religions, and to those who are scholars, as what is the status of such institutions today? It's just for decorations and medals, for intellectual snobbery and pseudo-leftism. Do such institutes really mean anything for education and learning, including giving air to anti-nationalist slogans and supporting those who have been continuously destroying by their... Wait a minute. Last feature. नहीं, अच्छा बड़ा करूँ क्या? ये नीचे वाला नहीं है। अच्छा नीचे वाला तो another stamp भी आ गया। Yes again. Last point is this. Do such institutions really mean anything for education and learning, including giving air to anti-nationalist slogans and supporting those who have been continuously destroying by their one-point program the sensitive harmony of the nation, damaging and devastating our culture and civilization? Such rebels are good for nothing. Let us evaluate and understand this in context of... Let us evaluate and understand this in context of new light, in context of present and future, then only we can say whether JNU is in safe hand or not. This is the statement which I have given recently. इस context में मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि तमाम विश्वविद्यालय जो आज देश में चल रहे हैं, मेरे ख्याल में आज लगभग स्थिति आ चुकी है कि आप विश्वविद्यालयों की आवश्यकता नष्ट हो चुकी है। We don't need universities. We first need the fundamental truth के हमारा belongingness क्या है, हम कौन है। विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालयों में जितना पैसा लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए जो खर्च हो रहा है, अभी आपको शायद ये जानकर के आश्चर्य होगा, ये एक ट्रुथ है कि इंजीनियर्स जो पिछले 10 वर्षों में इंजीनियर्स पैदा हुए, उसमें 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं। 20% जो आपका एलीट्स है इंजीनियर्स का, वो सब विदेशों में चले जाते हैं। तो हमारा लाखों करोड़ों अरबों रुपये का जो खर्चा हो रहा है, वो केवल विदेशों में भेजने वाले उन प्रतिभाशाली लोगों के लिए हो, जिनको कि हम कल्चर टैंक कहते हैं, या जो थिंकिंग टैंक है, या जो हमारा जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो विशिष्ट पढ़े लिखे लोग हैं, सब दूसरे कंट्री से काम कर रहे हैं, उनके 20-20 वर्षों का उनका पढ़ना लिखना, खाना पीना, शिक्षा दीक्षा, उनका सारी चीज़ें हम हमारा देश वहन करता है, एंड अल्टीमेटली हमारा कचरा रह जाता है। तो इस कचरे के लिए चाहे अरबों खरबों रुपये, चाहे हम क्या हम नष्ट कर रहे हैं फॉर दिस ऑल। इसी प्रकार की दूसरी संस्थाएँ, चाहे अकेडमीज़ हों, चाहे और दूसरी सरकारी संस्थाएँ, आज लगभग वो सारी की सारी संस्थाएँ, वो उनका उनको कहना चाहिए कि ये कहना चाहिए कि ये आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, कि ये रक्तजीवी हैं, रक्तजीवी संस्थाएं हैं, ब्लड सकिंग इंस्टीट्यूशंस, इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। आजकल के जो प्रोफेसर्स, आजकल के लेक्चरर्स, आजकल के कलाकार, आजकल के बुद्धिजीवी, आजकल के पत्रकार, तमाम जो है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग इतना अधिक सुविधाजीवी हो गए, हमें और सुविधाओं की जरूरत है।
आज सांसद जो है उसको 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया अपनी जीविका के लिए मंथली चाहिए और तमाम प्रकार की सुविधाएं चाहिए। आज 7th वेतन आयोग जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जबकि देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हालांकि अभी लेटेस्ट देवोस के जो सम्मेलन में उसने अरुण जेटली गॉट द हाईएस्ट पोजीशन एंड सारे कंट्रीज में भारत का जो रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि देश की जो स्थितियां हैं आर्थिक स्थितियां बड़ी स्ट्रांग हैं और देश ने प्रूव किया है कि जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारे देशों की क्राइसिस की स्थिति में सब लोग गुजर रहे हैं, यूरोप लगभग एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, इट्स ओनली टुडे अमेरिका इज स्टैंडिंग प्रॉपरली एंड इंडिया इज द फोकस ऑफ द पीपल, जिसको एक विक्ट्री पॉइंट मानते हैं। किंतु एट द सेम टाइम पिछले 2 वर्षों में कंसिक्यूटिव ईयर्स में हमें अकाल का सूखे का सामना करना पड़ रहा है, हमारी बेरोजगारी की कंडीशन बढ़ रही है, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर जो है कुछ कर नहीं पा रहा है, हमारे प्रोडक्शंस कमजोर हो रहे हैं, हमारी बैंकिंग व्यवस्था 70% डिस्करेज हुआ, हमारी इंस्टीट्यूशंस हमारी जो है लगभग फेलियर्स हैं। अभी रतन टाटा का भी स्टेटमेंट आया, आज बिरला ने थोड़ा सपोर्ट किया है, बट अल्टीमेटली बावजूद इन सारी क्राइसिस के मोदी सरकार में इनका आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी गवर्नमेंट, बट द गवर्नमेंट इज रनिंग ओके, इट इज नॉट ए बैड शो। गवर्नमेंट जो कर रही है उसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया है, एक उसकी साख बनाई जिसकी कोई साख नहीं थी, और जो भ्रष्टाचार की जितनी गहरी जड़ें चली गई थी, एक निराशावादी स्थिति पैदा हो गई थी, उससे इस देश को बाहर लाने में प्रेजेंट वर्तमान सरकार ने बड़ा काम किया, मुद्दे का काम किया है। अब इसे जूझना है, क्योंकि जो महाशक्तियाँ जो इसके खिलाफ लगी हुई हैं, जिनको पिछले कई वर्षों से जो पावर स्ट्रक्चर से जुड़ी हैं, जिनको भूख है पावर की, वो इसको तमाम शक्तियों से इसको विनष्ट करने की दिशा में चल रही है, उसके खिलाफ बड़ा संघर्ष कर रही है गवर्नमेंट। लेट इट लिव फॉर 5 ईयर्स, लेट इट परफॉर्म फॉर 5 ईयर्स, देन ओनली वी शुड थिंक अबाउट दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम। पर ये जो हो हल्ला हो रहा है, कभी अफजल खां को मुद्दा बनाया जा रहा है, कभी संसद में हमले हो रहे हैं, कभी असंतुष्ट लोग सामने आ रहे हैं, कभी मोदी के खिलाफ कैंपेन किया जा रहा है, तो ये सारी जो नकली जो लड़ाइयाँ हैं, चाहे वो चीन की तरफ से आ रहे हो, चाहे पाकिस्तान से आ रही हो, चाहे किसी प्रकार से एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट से लोग जुड़े हुए हैं, ये सब फंडेड प्रोग्राम्स हैं। और ये मैं आपको ये कह सकता हूँ दावे के साथ में कि शायद आज जो तथाकथित जो प्रगतिशील लोग हैं उनको आगे 5 सालों में क्या करने जा रहे हैं उनका सारी उनके पास प्रोग्राम्स हैं, जबकि जो सही जड़ जमीन से जुड़े हैं उनको कल का पता नहीं कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। तो एक तरफ एक टोटल अस्थायित्व की स्थिति है, टोटल एक तरह की असुरक्षा की स्थिति है, टोटल स्ट्रगल की स्थिति है। आप ये कहना चाहते, दूसरी तरफ से वो प्रिविलेज क्लास जो कि लाखों करोड़ रुपए से खेल रही है और जो विदेश यात्राओं के अलावा जिनके पास कोई दूसरा सपना नहीं है, वो लोग जो है वो इस सारी जड़ों को खोद खोद करके खत्म करने लगे हैं एंड दे आर सिंपली एंजॉयिंग द पावर एंड नथिंग एल्स। आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग समझदार हैं, एलिट क्लास है, जो लोग इस चीज को रोक सकते हैं, वो प्रॉपरली इसको रोकने में अपने आप को समर्थ नहीं पाते, क्योंकि उनको एक तो उनको धनी वर्ग का सपोर्ट नहीं है और दूसरा वो लोग इस चीज को ठीक से प्रॉपरली रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाते, ठीक से इसका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग संगठित भी नहीं है। अविनाश जी, आपकी बिल्कुल बात सही है, मैं इसको आपका सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि आप अपनी बात कह रहे हैं बहुत स्पष्टता से, जो आप बात कह रहे हैं, जो आप सवाल और ये यदि जवाब सरकार देने में समर्थ नहीं है तो ये सारा बहस जो इसका कोई अर्थ नहीं है, दिस इज नॉनसेंस एंड नथिंग एल्स। तो बिल्कुल ठीक बात है और बहुत ही सहमत होने योग्य बात है कि अब वो समय आ गया कि ब्रांडिंग काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अब हम जो ज्वलन मुद्दे हैं अपने घर में पकड़ करें, अपने घर को पहले ठीक करें। बिल्कुल। और संसद की तो हालत ये है कि संसद में अगर हम विपक्ष को अगर हम मांगने जाते हैं, उनसे अगर समर्थन मांगने जाते हैं, वो लोग तो देशद्रोही के साथ मिल चुके हैं, वो मैं भिखारी हूं। जैसे हम भिखारी हूं। We are going as beggars to them. तो आज हालात, We are not going to them as masters. बिल्कुल। This is unfortunate. आज भारत में हालात Why should we go? हालात ये हो गए कि विपक्ष में जो बैठा है वो देश का दुश्मन बन जाता है। बिल्कुल। और वो ऐसा चोला ओढ़ के बैठता है कि जिसमें कि उसको आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते, चाहे वो फासिस्ट का चोला हो, चाहे वो नक्सलाइट का चोला हो। बड़ी बात तो ये है कि देश को तो भूल गए कि ये कंट्री है, इस पे इसमें हम रहते हैं, इसको हमें आगे बढ़ाना है, मतलब कंट्री का तो हित हर तरह से भूल चुका है हर इंसान। तो ये सारी चीजें इसी में ही इंक्लूड हो जाती है कि बाद में अगर आपने कंट्री का हित भूल गए हो तो आप कंट्री की तो आपको पड़ी नहीं है, आपको तो अपनी पड़ी है कि हमारा स्वार्थ किस तरह से इसमें अपना स्वार्थ सध जाए। इसके अलावा अगर छोटा सा एग्जाम्पल है, जिस
खेत को, जो देसी भाषा में कहा, जिस खेत को बाढ़ खाने लग जाए तो उस खेत का वजूद नहीं बचता है। तो वो इस देश के साथ वही हो रहा है। इस देश के जो रखवाले हैं, राजनीतिक जो एक हिस्सा है, वो किसी भी देश का उसका रखवाला है, संरचना करता है, उसको आगे बढ़ाता है, वो सारे पार्ट वही निभाता है। तो जब वही इतना भ्रष्ट हो, इतना बेवकूफ तरह के लोग उसमें आ जाते हैं, जो उसको कंट्री का हित की तो पड़ी नहीं है, उनको हर हाल में ये चाहिए कि हमारा स्वार्थ किस तरह जाए, हमारा स्वार्थ किस तरह निकल जाए। तो वो एक चीज़ है। संजीव जी, आप एक्सपोर्टर रहे हैं, पूरी दुनिया में आप घूमे हैं, आपका क्या मत है कि लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में? आप अमेरिका भी गए हैं, जापान भी गए हैं, जर्मनी, यूरोप की यात्राएं करी हैं आपने, अपने बिजनेस यात्राएं करी हैं, तो वहाँ के लोग भारत को किस तरह से देखते हैं? लंदन में बैठा आदमी भारत को किस तरह से देखता है जो भारतीय नहीं है? वो देखो, बहुत जगह मुझे ये एक्सपीरियंस करने को मिला कि हम लोग मतलब चीट करते हैं, हम लोग करप्ट हैं। ये मुझे बहुत जगह मुझे ये मैसेज बहुत जगह से मिला और मुझे बड़ा अफसोस हुआ इसको सुन के, क्योंकि हमारे लोग वहाँ जाके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ इंटरेक्शन में करके आ जाते हैं, तो वो हमारा बहुत जगह खराब इम्पैक्ट मैंने अपनी कंट्री का कई जगह देखा, तो मुझे बड़ा उस चीज़ से दुख क्या, भी हुआ। क्या आपने उसको डिफेंड किया? डिफेंड अफोर्स किया कि भाई आपके साथ एक पर्सनल, एक बंदे के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंट्री हमारी पूरी वैसे की वैसी हो गई है। तो ये किसी भी इसी संदर्भ में शायद ये भी कहा जा सकता है कि 10-20 असंतुष्टतावादी यदि अपनी बात कह रहे हैं, हाँ, तो वो एक राष्ट्रीय वो आवाज नहीं, वो भूखे नंगे अशिक्षित लाखों करोड़ों लोग, जनता, जिनके पास वाणी नहीं, जिनके पास मुंह खोलने के लिए जबान नहीं, जिनके पास रोटी खाने के लिए बात नहीं, जो शिक्षित नहीं है, उनकी वॉइस को तो सुना ही नहीं जा रहा है। वो कहाँ क्या कर रहे हैं उनके बारे में? लेकिन अच्छा भी बहुत जगह सुना है और बहुत अच्छी बातें भी सुनी है, और तो इसमें कोई ये नहीं कि नेगेटिव ही सुना है हमेशा। ओके, तनिया जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं इन दोनों महानुभावों की सारी बातों से सहमत होते हुए भी केवल एक बात से असहमत हूँ, वो ये कि जैसे इनका कहना था कि अभी ये जो मुद्दा आया है JNU का, ये हाईलाइट किया गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्योंकि छात्र राजनीति पे काफ़ी नज़र रख रही हूँ पिछले कई सालों से, और वामपंथी राजनीति पर भी, तो अच्छा हुआ कि इस बार देश के सामने आया है कि ऐसी चीज़ें भी वहाँ पर हो रही हैं और ऐसी चीज़ें भी होती हैं और देश में ऐसी सोच रखने वाले लोग भी हैं। क्योंकि आपको शायद पता ना हो, केवल कुछ ही लोगों को पता था कि जब दंतेवाड़ा में 76 हमारे जो CRPF के जवान मारे गए थे नक्सलियों के हाथों, और जो बर्बरता हुई थी उसके लिए जश्न बनाया गया था JNU में, शायद आप नहीं जानते होंगे। दूसरी बात ये कि ये हर साल महिषासुर दिवस मनाते और हैं, उस पे कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं हुई, नहीं हुई थी, और अफजल गुरु की तो पैरवी तो कर ही रहे हैं तब से, वो बात अलग है। हर साल महिषासुर दिवस मनाते हैं जिसमें ये हमारे करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र है, जो आदिशक्ति है, माँ है, उनको ये ऐसी ऐसी भाषा में संबोधित करते हैं कि मैं बोलना नहीं चाहूँगी। कहते हैं कि दुर्गा एक वैश्या थी, कहिए, ये बात मैं यहाँ कहना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे कहना पड़ रही है। और इस तरह की सारी हरकतें इन्होंने पहले JNU में शुरू की, उसके बाद देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में शुरू की। तो ये एक बहुत बड़ा खेल है और इसको बहुत ज़्यादा फंड मिल रहा है। आप जानते होंगे इंडिया टुडे में मैंने एक ऐसी व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो देश के सबसे प्रभावशाली लोग, उनमें एक नाम था मीना कंडास्वामी का। मैंने सोचा कि यदि ये इतनी प्रभावी साहित्यकार हैं तो मेरे जैसी जो बहुत ज़्यादा पढ़ती है किताबें और मेरे परिवार, कोई जानता क्यों नहीं। तो उनकी बायोग्राफी पढ़ी तो उसमें तारीफ़ क्या लिखी थी कि इन्होंने दक्षिण की किसी यूनिवर्सिटी में गोमांस महोत्सव का आयोजन किया। अच्छा, अब इनको सहायता देने वाले कौन है? क्रिश्चियन सॉलिडेटरी वर्ल्ड वाइड नाम से एक संस्था है जो कहने को मानवाधिकार संस्था है लेकिन कन्वर्जन का काम करती है, और इसी तरह की संस्थाएं हैं। तो आप देखिए कितना बुरा खेल चल रहा है। इसी तरह के लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं, बड़े बड़े बुकर पुरस्कार और इस तरह के पुरस्कार, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो भारत की खिलाफत करते हैं। तो पहली बार ये हुआ कि ये लोग पूरी जनता के सामने उजागर हुए, और ये बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना चाहिए कि इस मुद्दे को घसीटते रहने की बजाय, ये जो ऐसी जो सारी ये जो ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को तोड़ना चाहती है, उनको पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और ताकि अगली बार हमें इन मुद्दों पर भटकना ना पड़े और हम देश के मजदूर की, देश के किसान की, देश के जो आम व्यक्ति हैं उन सब की बात कर पाए, उनके लिए कुछ कर पाए। देश के हमारे जो उद्योगपति हैं, हम उनका योगदान हमेशा भुला देते हैं, लेकिन
संबद्धता में देश की वो भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं, सब देते हैं, हर एक की बात, मतलब हम सारे 125 करोड़ लोगों की बात करें तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस बार जो जो सामने आए हैं, आपने देखा होगा नेताओं का जमावड़ा लग गया है, जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों को दंड मिलना चाहिए। इन सभी लोगों को उनके आज तक मोदी सरकार की खिलाफत कर रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला। अफजल गुरु की पैरवी कर रहे थे तब भी कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि हम भारत के 100 टुकड़े करेंगे और भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, तो ये नहीं चलेगा। भारत की जनता तब सहन करना बंद कर देगी, और बिल्कुल कर चुकी है, करना भी चाहिए। और देश का हित जब आप नहीं सोचे तो फिर उस देश में रह के तुम कर क्या रहे हो? और ऐसे इंसानों को जो देश की अखंडता को किसी भी तरह क्षति पहुंचाने की कोशिश करें, उनके खिलाफ तो बहुत बड़ा और बहुत ही सख्त से सख्त देशद्रोह का सर ऐसे चलना चाहिए। और इमीडिएटली होना चाहिए। ऐसे लोग अपनी बातों को, बड़ी कड़वी बातों को मीठी चाशनी में लपेटना जानते हैं। ये लोग जब हम पूछते हैं कि आप भारत की बात क्यों नहीं करते, तो ये कहते हैं कि हम किसी एक देश की सीमा नहीं मानते, ये तो इंसानों की बनाई है, हम मानवता की बात करते हैं। तो क्या आतंकवादियों की पैरवी करना किसी भी प्रकार से मानवता की बात करना है? वसुधैव कुटुंबकम हमारे जो हमारी भारतीय मनीषा है उसका सर्वोच्च नारा है कि सारी दुनिया कुटुंब है। तो ये नारा तो ये जो आप दे रहे हैं ये बिल्कुल उलट है कि हम सीमाओं को नहीं मानते इसलिए हम आतंकवादियों की पैरवी करेंगे। उल्टा है, यदि आप सीमाओं को नहीं मानते तो सारे दुनिया में जो खराब काम कर रहे हैं, जो आतंकवादी हैं, उनका विरोध कीजिए। अविनाश, मुझे लगता है कि शुरुआत शायद तब से हुई जब हम आज़ाद हुए। गांधी ने जो इस देश का सपना देखा था, जो लड़ाई लड़ी थी, और उसके साथ करोड़ों लाखों लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए समर्पित भाव से जो साथ रहे और हमें आज़ादी मिली, उसके बाद में वो सपना एकदम से मोहभंग हो गया उसका। क्योंकि नेहरू युग जब शुरू हुआ तो लगभग वो उल्टी दिशा में चालू हो गया, और उसमें घोड़े को काट के पीछे जोड़ा गया और एक वेस्टर्नाइजेशन टोटल कंट्री का हो गया। पहली बात तो ये हुआ, द मूमेंट नेहरू केम इनटू पॉलिटिक्स, हालांकि नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है, उसे नकारा नहीं जा सकता। नेहरू ने आधुनिकता के साथ में भारत को जोड़ा, बड़ी महाशक्तियों से नेहरू ने एक नए चिंतन के साथ में देश को जोड़ा। किंतु महात्मा गांधी की जो मूल स्थापनाएं थी और जो मूल उनका जो भावना थी, जो इस राष्ट्र से जुड़ी जुड़ी थी, और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था से लेकर के भारतीय संस्कृति को और सभी लोगों को साथ लेकर के जो चलने की उनकी जो बड़ी नीति थी राष्ट्रीय स्तर पर परिप्रेक्ष्य में, जो उन्होंने सोचा था आज़ादी की लड़ाई के साथ में, उसका सपना नेहरू ने लगभग उसको तोड़ दिया धीरे धीरे करके। और उसके बाद उसको बहुत गतिशील तरीके से तोड़ने का काम इंदिरा गांधी ने किया, यानी कांग्रेस पॉलिटिक्स इज टोटली अगेंस्ट द ईथोस ऑफ दिस इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन पॉलिटिक्स। राष्ट्र धर्म के लगातार विरुद्ध जाने का काम कांग्रेस ने किया, और इसका फल हम भुगत रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी आज हम विकास देख रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ भ्रष्टाचार, अनैतिकता से हम इतना अधिक गहराई तक जुड़ चुके हैं कि इस विकास का कोई अर्थ ही नहीं है। ये एक प्रकार का, मैं ये मानता हूँ कि किसी वेश्या के महल में रोशनी कर दी जाए और उसे बहुत एक महान महिला सिद्ध किया जाए, लगभग इस तरह की स्थिति इस देश की है। दिस इज समथिंग, भ्रष्टाचार डेवलपमेंट का कोई अर्थ ही नहीं है यदि हमारी नैतिक शक्ति नहीं है, हमें नैतिक मूल्य यदि हम खर्च हो चुके हैं, खो चुके हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस तथाकथित पश्चिमीकरण को या इस विकास की जो आंधी है, इसको हमें किसी न किसी रूप में, इसको नए तरीके से, नए परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा। और फिर बार बार मैं कहता हूँ कि भारतीय राष्ट्र नीति को, जो कि बहुत सदियों पुरानी, वी कैन रिटर्न बैक टू अवर कल्चर, वी कैन गो टू कौटिल्य, वी कैन गो टू वेदास, वी कैन गो टू महाभारत, वी कैन गो टू रामायण। ऐसा नहीं है कि इन ग्रंथों में कहीं कुछ नहीं है, वो बेसिक वैल्यूज़ उन्हीं ग्रंथों में है। हमारे यहाँ शिक्षा की, हमारे यहाँ समाज की, हमारे यहाँ संस्कृति की इतनी गहरी समझ है कि उनको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दुर्भाग्य से एक तो द वे वेस्ट हैज़ इन्फ्लुएंसेस, दूसरी तरफ से जो दूसरे धर्मांध लोगों का जो आक्रमण लगातार जो हिंदू संस्कृति झेल रही है, उसकी वजह से भी सब कुछ नष्ट हो रहा है। और ये 1000 वर्षों में, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक जो विचारधारा है और इस्लामिक जो फॉलोइंग है, उसने हिंदू राष्ट्र को या हिंदू जो विचारधारा है उसको जबरदस्त डैमेज किया है और लगातार हैमर कर रहे हैं।
इसका हमें कहीं ना कहीं कोई काउंटर एनालिसिस करते हुए इसका बहुत ढंग से साइंटिफिक वैज्ञानिक और एक मानवीय इसका विकल्प हमें खोजना होगा और इसके लिए गहरी जड़ों के साथ में हमें निष्ठा के साथ में इस लड़ाई को एक बहुत बड़ी लड़ाई बनाना होगा, अन्यथा हम लोग फिर बिखर जाएंगे और फिर हम गुलाम हो जाएंगे, ये निश्चित रूप से मैं मान के सकता हूं। अगर आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर होते तो आपका क्या एक्शन होता? आपके पास सीएम का फोन आता या नहीं आता वो अलग बात है, आपका सीधा क्या एक्शन होता है इस घटना पे? बीइंग इन ब्यूरोक्रेसी आई वुड फॉलो द प्राइम मिनिस्टर, आई वुड फॉलो माय मिनिस्टर, आई एम नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन, बट इफ आई एम ए प्राइम मिनिस्टर आई वुड नहीं, वो देशद्रोह की तो घटना तो घटी है। कोई भी व्यक्ति पुलिस कमिश्नर, क्या एक्शन लेते हैं आप? पुलिस कमिश्नर इंडिपेंडेंट व्यक्ति नहीं है, पुलिस कमिश्नर जो काम करेगा वो लॉ के अंतर्गत ही करेगा और लॉ के अंतर्गत यदि गिरफ्तार किया गया है, राजनाथ सिंह ने यदि कोई एक्शन लिया है या पुलिस कमिश्नर ने एक्शन लिया है तो गलत नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किन के खिलाफ, वॉट एवर लॉ इज गिविंग यू द पावर्स, जो भी कानून की लड़ाई है, पर उस लड़ाई को फिर आगे नहीं बढ़ाया, उस कानून को केवल पब्लिसिटी का मुद्दा नहीं बनाया जाए। जिस तरह फांसी देने में हमको 10-15 साल लग जाते हैं और वो एक अननेसरी लाखों करोड़ों रुपए वकीलों पर हम खर्च कर देते हैं, ये चीज अभी यदि 10 साल तक इस मुद्दे को हम बना करके खींचेंगे तो इसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, बल्कि इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो हमें सबसे पहले तो भारतीय संविधान की जो मूल जो स्वरूप है उसको फिर छेड़ साल की बात नहीं करना, किंतु वी हैव टू चेंज अवर कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट वी मे अंडरस्टैंड कि हमारे अल्टीमेट हमारे जीवन मूल्य क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें कहाँ से, यानी बुनियादी रूप से कानून में प्रॉब्लम्स हैं, जुडिशरी में प्रॉब्लम्स हैं, पत्रकारिता में, प्रेस में प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी मशीनरी करप्ट है, तो एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता। मैं निराशावादी बात नहीं कह रहा, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी वही करेगी जो कुछ उसके पास लिखा हो। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आप प्रधानमंत्री सलाहकार समिति में होते तो क्या सलाह देते इस मुद्दे पर कि इसको मूल रूप से कैसे नष्ट किया जाए? हाइपोथेटिकली मैं जवाब दे रहा हूँ कि मैं शायद होता ही नहीं, क्योंकि अब तक जो जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें मेरे जैसे आदमी का कोई अर्थ नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है और कोई पूछ नहीं है, इट्स वेरी क्लियर। मैं नहीं कहता मैं यदि जहाँ बैठा हूँ यदि वहाँ पर भी मैं अपनी बात यदि ढंग से कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय मैं प्रधानमंत्री सलाहकार समिति में जाऊँ। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो मनमोहन सिंह के साथ में कल तक थे और आज वो बाहर हैं, तो इसी प्रकार जो मोदी के साथ आज जुड़ गए वो कल बाहर आ जाएंगे, तो इन समितियों का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ इस बात का है कि अशोक आत्रेय क्या सोचता है, क्या कहता है, मैं आपसे क्या बात करता हूँ इसकी, मैं अपने पड़ोसी से क्या बात करता हूँ इसकी ज़्यादा वैल्यू है, मैं एक छोटे से अखबार में 4 लाइनें क्या लिखता हूँ इसकी वैल्यू है, बजाय इसके कि मैं यूनिवर्सिटी में JNU में जाकर के भाषण दूँ और विश्वविद्यालय में जाकर के बकवास करूँ। दिस इज द टाइम ऑफ डी स्कूलिंग दी सोसाइटी, दिस इज द टाइम ऑफ एंडिंग विद दी यूनिवर्सिटीज एंड एंडिंग विद दी सो कॉल्ड सिस्टम, लेट अस बी फ्री फ्रैंक एंड फॉरवर्ड। इसलिए स्टार्टअप की बात करें, सोचें कि छोटा आदमी किस तरह बड़ी बात कह सकता है। क्या बात है, क्या बात, दिस इज द एंड ऑफ माय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी मुद्दे पर मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ हैं मनोज। मनोज जो हैं वो एक छात्र हैं, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट हैं, और मनोज मैं आपको इस बारे में पूछना चाहूँगा कि आपके क्या विचार हैं? सर एक्चुअली आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, बट यस सर, इन द अर्ली मॉर्निंग आई वाज स्टडिंग द न्यूज़पेपर द हिल, where I came to know that actually the case is in relation to the sedition, and it was I mean the case is looked under Indian Penal Code section 134, 120B and 124B. So I think the people are saying that actually there is a freedom of expression in Constitution of India, but I don't think actually if you are saying something that is against the integrity of a country, I think this is actually total abuse of that particular freedom. And I would suggest there should be a system in place that can avoid all these abuses of that. So, अच्छा ये system तो है, लेकिन system इतना effectively काम नहीं कर रहा है, उसी की सारी चर्चा है। उसको कैसे? आप ही अपनी बात कहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप इस सारे मुद्दे पर अपनी बात। नहीं, system काम कर रहा है, मतलब system काम करने लगा है ऐसे कि actually आप ये सोचिए ना, अपने देश के खिलाफ नारे लगाने में किसे मजा आता है? किसी को नहीं आता, तो फिर ये इस तरह के लोग जो हैं ये पैदा कैसे किए जा रहे हैं? ये सब बाहर से फंड हो रहा था। मैंने तीन साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसके अंदर चाइना के ऊपर मैंने एम्फेसिस किया था कि वो किस तरह से
भारत को वो पूरा नहीं, वो टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है। तो उसमें उनकी एक रिसर्च प्रकाशित हुई थी जो कह रही थी कि भारत को 30 टुकड़ों में तोड़ो ताकि हम और मजबूत हो सकें। तो ये इस तरह के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और कईयों के धर्म वाला एंगल है, रिलीजन वाला मैं कहना चाहूँगी, धर्म एक बहुत अलग अवधारणा है, रिलीजन वाला जो एंगल है या इस तरह के एंगल है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तो ये सब फंडेड होते हैं और ये फंड होता है एनजीओज वगैरह के माध्यम से समाज सेवा के नाम पर। तो अभी आपको ध्यान होगा पिछले कुछ समय पहले एनजीओज पर लगाम लगाई गई थी, उनके जो भी खाते वगैरह हैं उनको चेक किया गया था और जो अनियमित थे उनको सील किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था, इससे इन चीज़ों पर रोक लगी। और ये जो शोर मच रहा है ये इसीलिए मच रहा है क्योंकि अब इन लोगों के पेट पर लात पड़ी है जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। क्या बात। और यही है कि भारत का कानून जो है वो स्पष्ट रूप से देशद्रोह को परिभाषित करता है। अब अमेरिका जिंदाबाद या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं, वो भारत के कानून में गुनाह नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी तो ये एक गुनाह है और इसके लिए 3 से 10 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, और इससे ज़्यादा तो खैर लॉ वाले जानते हैं, लेकिन ये सरासर एक घोषित गुनाह है। और आपको बता दूं कि जिन्हें पुलिस कस्टडी में लिया गया है, अभी जो 2 दिन पहले तक नारे लगा रहे थे और टीवी चैनल्स पे भी आके यही बात कह रहे थे, वो अचानक से पलट गए और कह रहे हैं हमने तो कभी भारत की बर्बादी की बात की ही नहीं और हम तो भारत की पूरी अखंडता के पक्षधर हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे ही लॉ काम करने लगता है वैसे अचानक से ये जो सारे लोग हैं जो पता नहीं कौन सी क्रांतियाँ करना चाहते थे ये अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि भारत का कानून, संविधान हमें सक्षम बनाता है कि हम देश के दुश्मनों से के खिलाफ लड़ सकें और जो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं और कार्यवाही होनी चाहिए। एक फाइनल नोट सर आपकी तरफ से। मैं अविनाश ये कहूँगा कि मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, उसी से मैं एंड करता हूँ कि हम शेर की मांझ से शेर की दहाड़ सुनना चाहते हैं, गीदड़ की आवाज़ नहीं सुनना चाहते। क्या बात। गीदड़ बफियाँ जो हम लोग लगातार दे रहे हैं उसका बैंड होना चाहिए और सिंहनाद का समय आ गया। बिल्कुल सही। संजीव जी आप क्या कहना चाहेंगे, एक फाइनल नोट। गवर्नमेंट को थोड़ा सा ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ा सख्त होना पड़ेगा और सीरियसली लेना पड़ेगा, हम इसको छोटा सा इशू समझ के ऐसा अनदेखा ना करें, और सरकार को इसके प्रति भी थोड़ा सा संजीदगी से और सीरियस होके इसको सोचना और देखना पड़ेगा, प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। और ऐसा यहाँ नहीं, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा होगा, हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा होगा। तो आप आत्रेय साहब की बात से सहमत है कि हमें इस सब यूनिवर्सिटीज को शटडाउन कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए शटडाउन तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ उन पे एक लगाम लगानी चाहिए। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो छात्र नेता का ये रखा गया था पद जिसके लिए गया था वो उसी के लिए रखा जाना चाहिए, वहां तक उसकी लिमिट होनी चाहिए और दूसरी राजनीति को इसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अविनाश मैंने शायद ये नहीं कहा कि बंद कर देना चाहिए, मैंने ये कहा है कि इन पर विचार होना चाहिए, बट ये तो गुंडागर्दी के हाउसेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल एंड्स के लिए हाउसेज बन रहे हैं, दे लॉस्ट देयर एकेडमिक इंटरेस्ट, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द। और एकेडमिक इंटरेस्ट में भी देखें तो पढ़ा हम लोग रहे हैं और दूसरी कंट्री दूसरी कंट्री से तो क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई से, क्या फायदा। इसमें मैं एक बहुत खतरनाक जो चीज अंडरलाइन है उसको रेखांकित करना चाहूंगी कि जो किसी भी देश के युवा होते हैं वही उस देश का भविष्य तय करते हैं। तो भारत के संदर्भ में जैसे किस तरह से युवाओं को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, एक तो पंजाब वगैरह में आपने देखा होगा किस तरह से ड्रग्स वगैरह दे कर उसकी लत लगाकर युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, और दूसरी ये चीज़ है ये जो भारत की बर्बादी और इस तरह की जो बेवजह की क्रांतियाँ करवाने की लत लगा दी गई है बच्चों को, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि ये लोग ये पूरी की पूरी पीढ़ी जो है इनके जो जो जाल है वो अन्य छात्रों तक भी फैलाते जा रहे हैं, और इसका नुकसान किसे हो रहा है, ऐसे छात्र जो गरीब हैं जिनके माँ बाप और जो कई अरमान लेकर पढ़ने आए हैं और ऐसी राजनीति में फंस कर रह गए हैं, और तो वो लोग मतलब ये एक तरह से भारत को बर्बाद करने की साजिश है। तो हमें इसको
ड्रग्स और इस तरह की चीज़ों की तरह ही इस चीज़ को काम में लिया जा रहा है, ये जो भारत विरोधी राजनीति है इसको समूल नष्ट करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसी गतिविधियों पे बैन लगना चाहिए? बिल्कुल बैन लगना चाहिए, क्योंकि जो पिछला एक विवादित कांड हुआ था, रोहित वेमुला वाला कांड हुआ था, जब उनकी आत्महत्या उन्होंने की, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, तो सारे ये जो संगठन हैं राजनीतिक रोटियां सेकने वहाँ पे पहुँच गए और सारे नेता पहुँच गए, और कि वो दलित था और उससे पीड़ित था और इस तरह की चीज़ें। और अब जो बातें सामने आ रही हैं कि उसके पत्र में कुछ लाइनें कटी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने ये जो संगठन थे आईसा और इस तरह के, इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये जो है छात्रों का इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, वो लाइनें कटी हुई पाई गई है, उनकी पुलिस जाँच चल रही है। दूसरा, ये जो कहा जा रहा था कि दलित है और पीड़ित है और इस तरह की चीज़ें, उसके माँ बाप रो रो कर बता रहे हैं कि हम नहीं हैं, वो एक अच्छी तरह से पला बड़ा लड़का, हमने उसके लिए कोई कमी नहीं रखी, और दूसरा वो दलित भी नहीं है, लेकिन वो इस तरह की राजनीति का शिकार हो गया, ये बाकायदा उन्होंने पुलिस को लिख कर दिया है। तो अब जैसे ही जाँच होने लगी, देखिए ये सारे जो लोग लाश पर जो गिद्ध बैठे थे ये सारे के सारे उड़नछू हो गए। तो पीड़ित कौन हुआ? एक व्यक्ति जिसने, एक लड़का जिसने बहुत सामान्य कैटेगरी में एडमिशन लिया था और बहुत अरमानों से वैज्ञानिक बनना चाहता था, वो इस राजनीति का शिकार हो गया, उसने विज्ञान पर पोस्ट करना छोड़ दी, वो विज्ञान के बजाय ये इस तरह की कुत्सित राजनीति की बात करने लगा, तुम कितने याकूब मारोगे, वो उसने किया था, तो इसका शिकार हुआ और अंततः आत्महत्या कर ली। वो लड़का पीड़ित हुआ और उसके घर वाले जो अब रो रहे हैं और उनके लिए कोई नहीं बचा, वो लोग पीड़ित हुए, इन लोगों का क्या गया? आप बताइए, ये जो राजनेता पहुंचे थे ये तो गायब हो चुके, इनका क्या गया? कुछ नहीं गया। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए हम किसको पकड़ सकते हैं फिर? हम देखो, जिस वो बार बार वो कहूँगा, जिस खेत का वजूद मिटी जाता है जब उसके रखवाले उसको खाने लगे, तो राजनेता जो हम चुनते हैं, चलो हम चुनते भी अच्छा ही है, लेकिन अच्छे समझ के चुनते, लेकिन वो वहाँ जाके वो एंड ऑफ द डे वो है तो एक इंसान ही, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसका सब, वो दिमाग खुल जाना, उसकी भी भूख बढ़ जाना, तो वो सब चीज़ें पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं वहाँ जाकर। तो इसके लिए यही कर सकते हैं कि भाई हम लोग एक अपना खूब विचार करके एक राजनेता चुने जो इस हद तक उस चीज़ को अच्छा, ये काम हम पिछले 68 साल से करते नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हम लोग, करने लगे। जिस तरह की जनतंत्र का हमने सपना देखा है संविधान में, जिस प्रकार की जनतंत्र की व्याख्या की गई है, जिस प्रकार का समाजवाद लादा गया है उस पर बाद में परिवर्तन के बाद में, तो सबसे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि मूलभूत जो संविधान है उसमें व्यापक परिवर्तन बदलाव की जरूरत है, और उसके आधार पर ही राष्ट्र नीति और आगे का भविष्य तय होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम उसी तरह से बार बार वो इसी विश्व सर्कल में हम घूमते रहेंगे, अल्टीमेटली विल रीच नो वेयर। सो मेरे ख्याल में तो सबसे पहला जो आवश्यकता है, पहली आवश्यकता, मैं नहीं कहता कि हमारा संविधान आइडियल है, किंतु उसमें जबरदस्त परिवर्तन की और व्यापक चिंतन की, पुनर्विचार की आवश्यकता है, और उसके आधार पर ब्यूरोक्रेसी बदलेगी, उसके आधार पर हमारी शैक्षणिक संस्थाएँ बदलेंगी, उसके आधार पर हमारी धर्म नीति बदलेगी, राष्ट्र नीति बदलेगी, उसके आधार पर सब कुछ बदलेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में जिस जल्दबाजी में, क्योंकि हमें आज़ाद होना था और हमें संविधान की जरूरत थी, हालांकि 52 में संविधान हमने अप्रूव किया आफ्टर लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग के बाद बना, पर वो तरह का चूचू का मुरब्बा बन के रह गया। भारतीय संविधान इतना बड़ा संविधान है कि उसमें इतने गलियां, इतने रास्ते, इतने पोल्स हैं कि कहीं भी बच के जा सकता है। एक छोटे केस के लिए जब आदमी कोर्ट में जाता है, 10-10, 20-20 साल तक उसको उस केस की लड़ाई के लिए लड़ाई में लग जाता है, एंड वो इतना परेशान हो जाता है, कई पीढ़ियां लोगों की नष्ट हो जाती हैं बाद में नष्ट आते हैं। तो ये संविधान की वजह से, ब्यूरोक्रेसी की वजह से डिलेज जो हो रहा है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से है, तो सारी चीज़ें मतलब मूल रूप से विकृत हो चुकी हैं और इसको कोई सुनने वाला नहीं। तो ये सारा मूलभूत जो ढांचा है, रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है, बिल्कुल रीस्ट्रक्चरिंग, रीथिंकिंग, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ सारा, बहुत जबरदस्त विचार। और अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार के जनप्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष के लोग, उनकी इसमें कोई रुचि नहीं है, और जब वो कुछ कोशिश करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। संविधान विशेषज्ञों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संविधान विशेषज्ञ तो समय के अनुसार नए विशेषज्ञ पैदा होंगे, नए लोग आएंगे, पुराने चिंतन से जुड़ेंगे, आगे की पर्सपेक्टिव प्लानिंग के आधार पर विचार होगा, किंतु अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि वो विल बी द अल्टीमेट अथॉरिटी। लेट पीपल डिसाइड, इट्स अ पीपल्स
मैंडेट. तो आम आदमी को, आम व्यक्ति को इसमें शामिल किया जाना जरूरी. आम आदमी को तो आपने, मेरे ख्याल में भारतीय संविधान जब बना, मेरा जहां तक सोचना है, शायद आम आदमी उसमें नहीं था. नहीं था क्योंकि वो उस समय ज्यादातर लोग अशिक्षित थे, ज्यादातर लोग, हालांकि पूरी तरह से उन्होंने देश को आजाद किया, किंतु हम उनको भूल गए. बड़े बड़े विशेषज्ञ जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने उसको अपनी अपना बना लिया सब कुछ, के वो डिस्कस थिंग्स एंड दे डिसाइडेड एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ दी. आज भी डेमोक्रेसी का जो लाभ उठा रहे हैं वो लोग उठा रहे हैं, आम आदमी को, आम आदमी को इससे कोई मतलब, वो तो केवल वोट देने का एक पुर्जा बना हुआ है. इट जस्ट कम फॉर अ डे एंड देन फॉर 5 years वी फॉरगेट. और अगले 5 साल महंगाई से लड़ता रहता है, जो भी जूझ रहा है उसको हर तरह की चीजों से, वो एंटी उसके साथ में जो उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लगातार लड़ाई करता है वो. तो आम आदमी तो कहीं है ही नहीं. और ये आम आदमी भी मेरे ख्याल में एक लगभग नारा बन चुका है. इसको भी हमारे जैसे लोग लगातार इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और ये दुरुपयोग करते रहेंगे. मैं खुद नहीं जानता कि आम आदमी कौन है, पर फिर भी मैं आम आदमी की पर चर्चा कर रहा हूँ आपसे. दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम. तो ये सब 10-20-50-100 लोग, 1000 लोग, जब ये एक बड़ा, जैसे अब एक बड़ी बहस, एक बड़े तरह से एक जीवट शक्ति के लोग आए और खुले विचार से लोग, पर मैं नहीं मानता कि बहुत जल्दी कुछ. आप आह्वान करते हैं ऐसा? आई फील दिस इज नहीं, हम युवा वर्ग ये काम कर सकते हैं, ये जरूरत है. आज 20,000 से लेकर 30,000 युवा मुझे जानते हैं और वो मेरे साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं. मैं ऐसे किसी भी आह्वान पर, अभी मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, न मैं ये दावा करता हूँ, न मैं इसके लिए अपने आप को, क्योंकि दिस इज सिंपली ये संवाद, एक हमारा दोनों का एक बातचीत है. अब ये बातचीत आगे कहाँ तक पहुँच जाती है, किस एंड तक जाती है, कौन लोग सुनते हैं, ज्यादातर स्थिति ये हो रही है कि आम आदमी तो आवाज कहीं आई नहीं रही, न आकाशवाणी में आ रही है, न अखबारों में आ रही है. आम आदमी तो वही सही नहीं, 10-20% जो लोग सीन में बने हुए हैं वो लगातार बदल बदल करके अपना स्वांग है. और ये एक तरह भांड स्वांग है, भांड स्वांग जिसको कहते हैं, भांडों का स्वांग स्वांग है. और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसके बारे में बड़ा बढ़िया जश्न थे. आजादी में ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग जो कन्वर्ट हो चुके हैं, एक गलत प्रतिनिधित्व से जो जनता को गुमराह करने लगा था, ऐसे लोगों का खेल बन गया प्रजातंत्र, इससे अधिक कुछ नहीं. एक बात इसमें और है कि जो मेरा ज्यादा विचार, जब संविधान लिखा गया था हिंदुस्तान का, तो वो हिंदुस्तान की आम जनता को मद्देनजर रखते हुए शायद नहीं लिखा गया, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ ये 2-3 countries है जिनका कंपाइलेशन, तो ये एक प्रॉपर हमारी कंट्री के, हमारे देशवासियों को उनका सोच, उनके विचार, उनकी प्रगति, उनका सबको ध्यान में रख के अगर बनाया गया होता तो शायद आज हमें परेशानी. अविनाश, शायद आप जान के आपको आश्चर्य और खुशी भी होगी, भारतीय संविधान के जो मूल पृष्ठ हैं उसमें भारत माता का चित्र है, उसमें भारतीय अस्मिता से संबंधित जुड़े हुए बहुत सारे चित्र हैं, जो भारतीय संस्कृति, श्री राम का चित्र है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भारतीय संस्कृति को, जिसको हम तथाकथित रूप से चाहे हिंदू संस्कृति कहें चाहे कुछ कहें, किंतु भारतीय संस्कृति की मूल आस्था उसमें प्रकट होती है. आज उसके चित्र को हम जो ये कहेंगे साहब ये तो सांप्रदायिक है, तो भारतीय संविधान भी सांप्रदायिक हो गया दुर्भाग्य से. यदि हम उनके आगे के प्रश्नों को हटा देंगे तो हर आदमी कहेगा ये तो सब सांप्रदायिक, भारतीय सांप्रदायिक. जैसे हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि रविंद्रनाथ ने जनगण मन जो लिखा वो अंग्रेजों की प्रशस्ति में लिखा, ये तो अधिनायक जय क्या होता है, जब इसका डेमोक्रेसी से संबंध ही नहीं है. दूसरा, बहुत सारे स्टेट्स का इसमें नाम नहीं है. तो ये इस तरह के फार्मूलों से यदि हम बात करेंगे तो कहीं नहीं पहुँचेंगे. अल्टीमेटली अगेन वी हैव टू थिंक कि हम हैं क्या, हम वास्तव में क्या है, ये हमें पहले पहचान है. तो ये भारत माता जो झंडा लेके खड़ी हुई है, या सिंह के ऊपर जो एक भारत माता का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, एक महाशक्ति, एक आद्याशक्ति के रूप में जिस रूप में उनको देख रहे हैं और हम सब उसकी संतान मानते हैं, क्या ये आस्था क्या अनुचित है जो सारे राष्ट्र को जोड़ रही है, सारे राष्ट्र को? ये तो सर्वथा उचित है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि ये भारत माता जिसको मकबूल फिदा हुसैन जिसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये क्या सही है? गलत. और वो भारत माता जिसको हम जिस रूप में जान रहे हैं, एक आद्या शक्ति को, जैसे वॉल्टेयर ने भी कहा है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो वहीं तक है जहाँ तक मेरी वैल्यू सिस्टम से और मेरे धर्म से आप नहीं टकराते हो. अगर मेरी वैल्यू सिस्टम मेरे जो धर्म से अगर आप टकराते हो या मेरे कानून से आप टकराते हो तो वो गलत है. तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे आप कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी बना दोगे, ये सब बंद होना चाहिए. और मैं निश्चित रूप से मानता हूँ अविनाश कि हम भारत माता को जीन्स नहीं बना सकते, हम हनुमान जी को पेंटिंग बना सकते,
हम श्री राम को जो है वो हाफ पैंट और ये क्या कहते हैं आप यहाँ तक का कच्चा जो पहनते हैं बरमूडा बरमूडा पहना कर यदि रामचंद्र जी को प्रस्तुत करेंगे और उनके साथ यदि हम हनुमान जी सब बरमूडा पहना के गदा लगा देंगे तो कोई हम आधुनिकता कितने आधुनिक हो जाएंगे तो ये एक भ्रष्ट आचरण है और ये खिलवाड़ है और ये राष्ट्रीय जो लाखों करोड़ों के साथ खिलवाड़ है लगभग तथाकथित आज के बुद्धिजीवी यही कर रहे हैं इसमें मैं भी शामिल हूँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग शामिल हैं जो बह रहे हैं प्रवाह में पश्चिमी संस्कृति में आधुनिकता के प्रभाव में बह रहे हैं और उनको पता नहीं कहाँ जाना है एक अंधी गली में और ये शुरू में तो युवा पीढ़ी को इम्प्रेस करते हैं और उसके बाद में उनका माइंड वॉश करना शुरू कर देते हैं ये मारिजुआना चस और चरस और अफीम और ये प्रकार की जो हिपिज्म जो आया था जो बीटनिक कविता पैदा हुई थी जो बीटनिक पीढ़ी आई थी उसके बाद में जिस प्रकार का अंग्रेज जनरेशन मूवमेंट हुआ जिस प्रकार का साम्यवादी लोग चेक वालों को लेकर के आए जिस प्रकार मार्च से दिल की चर्चा हुई जिस प्रकार से हम सब कुछ भूल गए और हम चीन पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ देखने लगे और वी ट्राइड टू बी मॉडर्न एंड वी बिकेम पार्ट ऑफ द मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी टू बिकम अमेरिकन और इंग्लिश और चाइनीज और रशियन एंड वी फॉरगॉट एवरीथिंग व्हाट इज इंडियन ये बड़े सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है ये जो आपने अभी कहा कि ऐसे लोगों को मतलब ये पहले युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर ये इनका ब्रेन वॉश करते हैं तो आकर्षित कैसे करते हैं बड़े सिस्टमैटिक तरीके से किया गया भारत की जो पहली महिला बुकर प्राइज विनर है अरुंधति राय जयपुर से पढ़ी हैं वो हाँ तो उनके पोस्टर मैंने हर जगह देखे थे जब मैं बच्ची थी तब उनको मिला होगा तो हर जगह पोस्टर्स रहते थे और इवन महिला बाल विकास विभाग की जो डायरीज हैं और सब कुछ है वहाँ पे था कि शी इज़ द फर्स्ट बुकर प्राइज विनर और आपको ऐसा बनना चाहिए और हम भी अरे वाह ऐसा बनेंगे पर क्या कोई जानता है भारत में कि उनकी जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है उसकी थीम क्या है और वो किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती हैं तो एक तरह से क्या हुआ अरुंधति रॉय को एक आइकॉन बना दिया गया इनके जैसा बनो और फिर वो आपने पढ़ी है वो किताब आपने पढ़ी है और फिर वो मैं उसी पे आती हूँ और फिर वो उसके बाद वो कश्मीर में कश्मीर को अलग करने की बात करने लगती हैं वो भारत के खिलाफ बात करने लगती हैं इस तरह की सारी चीजें करती हैं आप पार्टी के साथ जुड़ जाती हैं तो हाँ तो भारत के अधिकतर लोग जो उनको आइडल मानते हैं वो ये भी नहीं जानते कि उन्होंने उनकी किताबें किस विषय पर आधारित है या क्या है हमसे कहा जाता था वैसा बनी है मतलब पोस्टर्स वगैरह में आपको पता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की या इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात करने वालों को मैं कैसे अपना आदर्श मान लूं और उन्हें बुकर दिया गया तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जानबूझकर हाईलाइट किया जाता है ताकि युवा